हेलो एवरीवन, मायसेल्फ संदीप राजभर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं DPT 3 फॉर्म फाइलिंग के बारे में। स्पेसिफिकली देखेंगे कि फॉर्म फाइल कैसे करना है। इसके पहले वाला जो वीडियो मैं उसका भी लिंक डाल दूंगा आई बटन में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में या डिस्क्रिप्शन में, जहाँ भी आप आई बटन चेक कर लेना उसको भी डाल दूंगा। DPT 3 के बारे में इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग अगर कहीं है तो उस वीडियो के अंदर है। इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ फॉर्म फाइल करने बताऊंगा कि क्या फॉर्म कहाँ पे फाइल करना है। नॉर्मली मेरे को लगा था कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट स्टिल मैंने देखा कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया मेरे को वो चीज़ समझ भी नहीं आया। सो मेरा धर्म बनता है कि भैया बताना, ठीक है। सो आज अपने पूरा सिर्फ और सिर्फ फॉर्म के बारे में देखेंगे। कोई एक्ट, कोई रेगुलेशन, कोई रूल्स कुछ नहीं पढ़ने वाला है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्म फाइलिंग कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ, ठीक है। वन मोर थिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए, वेरी 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 वाला गुड न्यूज़ है, जहाँ पे साफ साफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बोल दिया कि भैया पोर्टल हमका हमारा बेड़ा गर्क चल रहा है, ये तो आप सभी को पता है। मैंने बोला हाँ, बोला DPT 3 फाइल करने का लास्ट डेट जो है 31 जुलाई 2023 कर दिया गया है विदाउट एडिशनल फीस। मतलब आप 31 जुलाई, एक महीने का क्या बोलते हैं उसको, एक्स्ट्रा टाइम मिल गया आपको, रिलैक्सेशन मिल गया है। इस एक महीने के अंदर इस रिलैक्सेशन का यूज करके आप आराम से DPT 3 भर सकते हैं। आई सजेस्ट आप लास्ट मंथ का वेट मत करना। आपको अगर फाइल करना है बिफोर 10th और हार्डली 15, 15 जुलाई से पहले अपनी सारी फाइलिंग DPT 3 की करके निपटा दो। अदरवाइज अगर आप बोलोगे कि भैया मैं 20 तारीख को, 25 तारीख को फिलअप करूंगा, मैं गारंटी देता हूँ 25 तारीख के बाद साइट काम करना बंद कर जाएगी, ठीक है। DPT 3 नील फॉर्म रहता है तो हर कोई नील रिटर्न तो मारेगा ही मारेगा, और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये आएगा ना बॉस कि आप फाइल ही नहीं कर पाओगे 25 के बाद। तो भैया आपको हार्ड टू हार्ड 15 तारीख तक फाइल करना है। रात भर जाके फाइल करो, दिन भर जाके फाइल करो, मर जाओ फाइल करते करते, लेकिन फाइल करो, ठीक है। पहले फाइल कर दो, आई सजेस्ट 15 से पहले करना है तो करो, नहीं तो भूल जाओ, बहुत बुरा हाल होने वाला है और ऐसे ही पोर्टल मर रहा है, ठीक है। भड़क मत जाना किसी कमेंट के ऊपर कि नहीं भैया आप ऐसे कैसे बोल दिए, हाउ डेयर यू, प्लीज प्लीज, ठीक है। इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं। अच्छा, जब गुस्सा हो ही गया तो सब्सक्राइब करके जाओ, सब्सक्राइब दबाओ बटन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक ऐसे ही है, अपने DPT 3 भरते हैं, डिपॉजिट रिलेटेड फॉर्म पे चलते हैं, DPT 3 पे जाते हैं, फटाफट खुल जाना भाई। बहुत सारा एरर चल रहा है MCA में जिसका कोई माई बाप नहीं है, कैसे काम करता है भगवान वाले के लोग का। कोई भी कंपनी पकड़ लेते हैं, संदीप पकड़ पकड़, ये प्लाईवुड, चलो आज मेरी प्लाईवुड की कंपनी है। तो सिन नंबर अपने आप आ जाएगा, नेम ऑफ द कंपनी, रजिस्टर्ड ऑफिस, ईमेल एड्रेस इस बेवकूफ की कंपनी में नहीं है, जो भी इंसान हो पता नहीं क्या है। रिटर्न ऑफ डिपॉजिट अगर आप क्लिक करते हो तो आपको ये सारा डिटेल फिलअप करना पड़ता है, पीडीएफ चेक, कैपिटल फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी, सब कुछ फिलअप करना पड़ता है। अदरवाइज आपको, अगर आपको नील रिटर्न फाइल करना है कि भैया हमारा नील है कुछ नहीं है, तो आपको सेकेंड वाले पे क्लिक करना है। एंड इसका गुड न्यूज ये है कि आपको नीचे जाओ, वेदर द कंपनी इज अ पब्लिक और प्राइवेट, ये आपका ऑटोमेटिक चेक कर लेते हैं मास्टर एड्रेस से। वेदर द कंपनी इज अ गवर्नमेंट कंपनी, ये नो होगा, ये भी आने वाले टाइम में अपडेट्स में ये वाला भी ऑटोमेटिक नो रहेगा। ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, अभी आप इसको एडिट कर सकते हैं, अभी आप इसको जो चाहे ऐड लेस कर सकते हैं। इसका कोई इम्पैक्ट, किसी भी तरीके का कोई भी इम्पैक्ट आपके ऑब्जेक्ट में नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी चेंज करके डाल देते हो ना कि भैया मैंने चेंज कर दिया, मेरा मेमोरेंडम चेंज हो जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। ये अभी इसको ओपन रखा गया है, जिसको जो एडिट करना है कर सकता है। एक फाइनेंस ईयर के बाद, 1 से 2 फाइनेंस ईयर के बाद ये वाला ब्लॉक हो जाएगा, ये फिर आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। ये आपका MOA, अभी EMOA का सिस्टम आ गया ना, EMOA से ऑटोमेटिक फेच कर लेगा, या तो NIC कोड यहाँ पे उठा के डाल देगा, ठीक है। अभी ये चीज एडिटेबल है, आप एडिट करना चाहो कर सकते हो, बहुत बड़ा तोप नहीं ये चीज, ठीक है। वेदर डिपॉजिट एक्सेप्टेड फ्रॉम पब्लिक, ऑप्शन ही नहीं है भैया, सब दिख रहा है, ब्लॉक दिख रहा है। ये एक फर्स्ट पेज है जिसको आपको भरना है 31 मार्च 2023, ठीक है। बाकी कुछ नहीं भरना है, अब ये सब भरना ही नहीं है, ये सब भराएगा ही नहीं, ये सब उन्हीं के लिए जो डिपॉजिट लेते हैं। आपको ये पूरा पेज नहीं भरना है, खत्म, ठीक है। निल रिटर्न वालों कान खोल कर सुन लो, ये पूरा पेज में सिर्फ यही दो इन्फॉर्मेशन डालना था, यहाँ पे और ये डेट, और कुछ नहीं भरना। नेक्स्ट पेज में आ जाओ, यहाँ पे आपको जो करना है मेहनत करना है। यहाँ पे दिख रहा है छोटू सा कॉलम नहीं है, इतना बड़ा कॉलम है, ठीक है। ये मत बोला कि तू सा इतना है मेन, आप समझो ये एक्सेप्शन जो मेरे क्या है, कैसे बताऊँ अभी लोगों को, द लीगल टाइम डॉट कॉम ये हमारा वेबसाइट है, बेसिकली आप विजिट कर सकते हो जब चाहो, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे आओगे तो आपको आर्टिकल मिल जाएगा DPT 3 का, आराम से उसको ओपन करो। यहाँ पे आपको भर भर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उन सभी क्वेश्चंस का आंसर भी आपको मिल जाएगा।
सिर्फ क्वेश्चन नहीं देता हूँ यार मैं, आंसर भी। यहाँ पे आपकी जितनी टाइप के क्वेश्चन हो सकते था, मेरे को अराउंड 58 क्वेश्चन मिले थे। आपके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ना, आप मेरे को कमेंट में पिंग करते हुए चले जाओ क्यू एन ए, या फिर क्वेश्चन लिख के, या व्हाट्सअप करते चले जाओ क्वेश्चन लिख लिख के, वो सारे मैं अपडेट कर करके आंसर बना बना के आपको यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, यही चीज़ आप किसी से पूछ रहे हो तो कंसल्टेंसी का वो 500 हज़ार रुपये चार्ज करेगा, यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जा रहा है, तो यूज़ करो ना जो आपको ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखो 38 क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन है, एंड ये वो सारे क्वेश्चन है जो किसी ने पूछे हैं। ठीक है, मेरे खुद के कोई क्वेश्चन नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे आते हैं अपने अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आप, अब देखो मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि एक काम करो बैलेंस शीट उठाओ, ठीक है, या फिर अपने ऑर्डर को और आप पेज पूरा प्रिंट करके थमा दो कि भैया आप डेटा फिलअप करके दो। दिस इज ओनली पॉसिबल इन केस यू आर इन अ कंपनी। ठीक है, अगर आप एक कंपनी में हो तो। ऐसे भी मेरे व्यूवर्स हैं जो कुछ कुछ सीए फॉर्म या फिर सीएस फॉर्म में काम करते हैं, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम होता है कि भैया उनको पता नहीं चलता है कि कैसे ले। अब उनकी बात तो कोई सुनने वाले नहीं है, उन बेचारों की तो कोई इज्जत नहीं करता। तो समस्या ये है कि भैया वो डेटा पाएंगे कैसे, वो अकाउंटेंट से बोलेंगे डेटा तो बोलेगा भाग यहाँ से, सिंपल। ठीक है, अंदर से जो आवाज़ आता है ना उनका यही रहता है कि भाग यहाँ से नहीं दूंगा, बट द फैक्ट इज उनको देना पड़ता है, वो कोई उपाय नहीं रहता है। आप मेल करते हो, एक्सलेट करते हो कि भैया देखो नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, वो अलग चीज़ है। तो अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, आप आराम से बैलेंस उठाओ। ठीक है, आप लाइबिलिटी कॉर्नर में जाओ, अगर आपके पास बैलेंस शीट बन चुकी है तो। अगर बैलेंस शीट नहीं बनी है तो उसी इस सिचुएशन में आपके पास अकाउंट्स का डिटेल होना चाहिए। ठीक है, या फिर आपके आपको उस कंपनी से बोलना होगा कि एक काम करो मेरे को अकाउंट्स का जो आपका टैली का डेटा है वही दे दो। ठीक है, या फिर आपको उस कंपनी के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होगा। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं एक एक पॉइंट के बारे में बताऊं, लेकिन जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं वो सारे कवर करूंगा। ठीक है, जो पॉइंट्स आपको लगते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, मैंने नहीं बताया, उसको आप कमेंट में डाल देना। अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को, इस वाले में वो सारे पैसे जाएंगे जो आपको कहीं ना कहीं अच्छे लोगों से मिले, मतलब गवर्नमेंट से मिले, लोकल अथॉरिटी हो सकता है, गवर्नमेंट से मिला। अगर कहीं से भी कोई पैसा आया हुआ है तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कितना था, एडिशनल लोन ड्यूरिंग द ईयर कुछ ऐड हुआ है क्या, कुछ रीपे किए हो क्या, एनी अदर एडजस्टमेंट, क्लोजिंग बैलेंस कितना है। ठीक है, जैसे मान लो ओपनिंग बैलेंस आपका था 1 लाख, एडिशनल ऐड हुआ है 5 हज़ार, रीपे किया हुआ मैंने 3 हज़ार। ठीक है, एनी एडजस्टमेंट कुछ नहीं है, मतलब मेरा नेट क्लोजिंग बैलेंस कितना बच रहा है, 1,02,000 बच रहा है ना। अब यहाँ देखो ये समझो बात को, लोन आउटस्टैंडिंग लेस देन इक्वल, अब तुम्हारे पास, तुमको यहाँ पे दिख रहा है ओपनिंग बैलेंस में 1 लाख बचा हुआ है, इस साल 5 हज़ार ऐड हुआ है, रीपे हो गया है 3 हज़ार रुपया। तो अब आपको अपने अकाउंटेंट से पूछना हो कि भैया मेरी बताओ मेरे को ये ओपनिंग बैलेंस जो 1 लाख आप दिखा रहे हो, ये ओपनिंग बैलेंस कितने समय से है, 1 साल से है, 2 साल से, 3 साल से है। आपका अकाउंटेंट आपको बोलेगा कि भैया पुराना वाला बैलेंस देखो, पुराना वाला बैलेंस शीट खोलो, उसमें देखो कि ओपनिंग बैलेंस कितने साल से है। अगर ओपनिंग बैलेंस मान लो दिखाता है कि 50,000 रुपया 3 साल से चल रहा है, ठीक है, तो 50,000 रुपया 3 साल से चल रहा है, ठीक है, 50,000 रुपया 3 साल चल रहा है, बोला बाकी का 50,000 रुपया 1 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन 3 साल के बीच का टाइम चल रहा है, बोला ठीक है, ओके, बोला बाकी का जो 2,000 है ना वो इस साल का है, बोला बोला अच्छा ठीक है, देखो हो गया सिस्टम ले लिया, तो 1 लाख था, एडिशनल 5,000 ऐड हुआ है, रीपे कितना किए हो, 3,000 रुपया किए हो, तो आपको ये चीज तीनों यहाँ पे बताना होगा, कितना 50 मतलब 3 साल से ज्यादा पुराना लोन कौन सा है, 1 से 3 साल के बीच का अमाउंट कितना रहा, और लेस देन 1 साल से कम का अमाउंट कितना रहा। ये तीनों इक्वल टू अगर इसके होगा तो आपका सिस्टम एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लियर है, यही पूरा का पूरा पैटर्न आपको फॉलो करते हुए चलना है। एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन कंपनी, अब देखो मेरे को जहाँ तक भरोसा है ना, बहुत रेयर ऐसी कंपनी मतलब ऐसी कंपनियाँ होंगी जिनको यहाँ से पैसा मिलता है, फॉरेन गवर्नमेंट से मिल रहा है, फॉरेन मतलब भाई फॉरेन ग्रांट्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ से अगर कोई पैसा मिल रहा है तो वो आपको यहाँ से डिटेल मिल जाएगा, उसका बहुत इजली डेटा मिल जाता है, फॉरेन गवर्नमेंट से कुछ भी मिलेगा ना बहुत इजली डेटा मिल जाता है कि भैया, क्योंकि वो रूट के थ्रू आता है तो पैसा का प्रॉपर डिटेलिंग होता है। एनी अमाउंट रिसीव एज अ लोन एज अ फैसिलिटी फ्रॉम एनी बैंकिंग कंपनी, अब अगर मान लो लोन और फैसिलिटी फ्रॉम एनी बैंकिंग कंपनी, कोई भी आपको बैंक से कोई फैसिलिटी मिला, लाइक क्रेडिट फैसिलिटी होगा, कोई भी फैसिलिटी वगैरह कुछ भी मिला है, ठीक है, एनी फॉर्म ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और फ्रॉम इट सब्सिडरी स्टेट बैंक या सब्सिडरी, कहाँ चला गया,
फ्रॉम बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से या फिर इन सभी जगह से कहीं से भी कोई पैसा मिला हुआ है भैया, तो ओपनिंग में कितना था। अब देखो पॉइंट इज कि भैया इट्स वेरी टफ टू फाइंड इट आउट कि भैया विच वन इज द थ्री मोर देन 3 ईयर, 1 टू 3 ईयर। क्योंकि क्या होगा ना, अगर आप एक कंपनी में हो तो आप आराम से बैठ के डेटा एनालाइज कर सकते हो, बट इफ यू आर इन अ फर्म एंड यू हैव हंड्रेड्स ऑफ अ कंपनीज देयर, सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू कि आप हर एक कंपनी का पकड़ पकड़ के एक एक बैलेंस शीट का डेटा चेक करो और ये करो। तो उस सिचुएशन में आप अभी 19-20 करके काम चला सकते हो, यू हैव डोंट हैव एनी चॉइस। बट इन फ्यूचर आपको चॉइस नहीं बचेगी, मतलब आप इस साल आप जो फाइल करोगे ना उसके बेसिस पे ही तो नेक्स्ट ईयर फाइल करोगे, तो इस साल का देखोगे नेक्स्ट ईयर जब फाइल करोगे तो नेक्स्ट ईयर से आपका डेटा धीरे धीरे सुधरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लोन और फैसिलिटी फ्रॉम बैंकिंग कंपनी, अगर कोई भी फैसिलिटी आपको मिला है बैंकिंग कंपनी से, बैंक से बेसिकली कोई भी बैंक से अगर आपको कोई फैसिलिटी मिल रहा है तो वो आप यहाँ पे आराम से ऐड करो। इसका आपको बैंक से प्रॉपर एग्रीमेंट होगा, बैंक से लोन लियोगे तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होगी तो भी आपको, मतलब कुछ ना कुछ तो प्रूफ होगा ना रे भाई, ऐसे मत बोलना कि कुछ भी नहीं है तो बैंक से पैसा कैसे मिला, नहीं मिलेगा, ऐसा मुंह मत बनाया करो। एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम लोन और फाइनेंस इंस्टीट्यूशन फ्रॉम PFI, अब इन लोगों से अगर आपको पैसा मिला, मेरे को लगता है बहुत रेयर चांसेस है कि यहाँ से कोई पैसा उठाता हो, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां उठाती हैं ठीक है, और बहुत अच्छा गुडविल होने के बाद मिलता है पैसा। एनी अमाउंट रिसीव इन कोर्स ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी एडवांस। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, तुम एडवांस एडवांस ले रहे हो, एज एन एडवांस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज अकाउंटेड इन एनी मैनर वट एवर प्रोवाइडेड दैट सच एडवांस अपॉर्चुनेटेड अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ द सर्विसेज विद इन अ पीरियड ऑफ 365 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ सर्विस, ब्ला 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 ब्ला, बहुत कुछ है। ऐसा कोई भी पैसा उठाया हो क्या जो उसके लिए तुम बोले थे कि 365 दिन के अंदर हम रिपे कर देंगे, मतलब तुम्हारा गुड्स जो है डिलीवर कर देंगे, एज एन एडवांस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ठीक है, कि लिए थे क्या, या फिर एज अ एडवांस कोई भी ऐसा चीज है क्या जो तुम मतलब बोले भैया कैपिटल गुड्स है काइंड ऑफ ठीक है, यहाँ पे एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह कुछ लिए हो क्या। अब ये सारा डिटेल कहाँ से मिलेगा सर, ये सारा डिटेल आपको आपका अकाउंटेंट देगा, एक एक डेटा उठा के देगा बेचारा। मैं मेरे को जहाँ तक लगता है आपको इट्स नॉट पॉसिबल कि शायद ओपनिंग बैलेंस का नहीं पता चलता कितना पुराना है, ओपनिंग बैलेंस एक साल के अंदर का डाल दो और अपडेट करके चलो ठीक है। अगर इट्स नॉट ईजिली अवेलेबल कि क्या करूँ, तो एक साल के अंदर मतलब ये फर्स्ट ईयर के अंदर आपका जो डेटा आ रहा है उठा के डालो, इनको ब्लैंक रहने दो ठीक है। एज एडवांस रिसीव अंडर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, ये सब काम करनी है, ये सब मतलब बहुत कम काम आएगा। देखो चिट फंड विट फंड है ये सब नॉर्मली तो मिलने वाले मिलने से रहा। एनी अमाउंट रिसीव बाई अ कंपनी फ्रॉम अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट ऑफ AIF, अगर कोई पैसा दे रहा है रीट, आपको कोई पैसा दे रहा है IIT, अगर पैसा दे रहा है इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, अगर पैसा दे रहा है म्यूचुअल फंड, इन सभी से पैसा मिला तो आप लिखोगे, इन सब का बहुत प्रॉपर रिकॉर्डिंग होता है, तो मेरे को भरोसा है कि आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड ऑटोमेटिक मिल जाएगा ठीक है। एक मिनट और बताता हूँ, अच्छा वन मोर थिंग, ये जो PFI एनी रिजर्व फाइनेंशियल इंश्योरेंस कंपनी है उसमें आप नीचे थोड़ा सा होगी, यहाँ पे देखो एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ द अमाउंट वाज द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और द रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। अगर आपको कोई भी पैसा, अब डायरेक्टर से लोन मिलना बहुत ईजीली है, मतलब भैया डायरेक्टर अपना अकाउंट यूज करती रहता है, तो अगर पर्सनल अकाउंट डायरेक्टर यूज किया हुआ है तो वो आप लोन के रूप में अगर कंसिडर किए हो, तो एक अगर डायरेक्टर का ओपनिंग क्लोजिंग मिला है तो इस गुड आप यहाँ पे उठा के भर दोगे। लेकिन मान लो दो तीन डायरेक्टर मिलके पैसा दिए हुए हैं, तीन दो डायरेक्टर है कंपनी में, दोनों ने 50,000 रुपया आपको दिया था, कंपनी को दिया था, तो दोनों को आप ऐड करो और क्लब करके यहाँ पे एक साथ लिख दो, दैट सिंपल ठीक है। बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ है, अब मान लो आपके ओपनिंग में 1 लाख थी और फिर आपने सारे 1 लाख रुपया रिपे कर दिया इस साल ठीक है, तो 1 लाख रुपये कर दो खत्म। अब यहाँ पे क्या रहेगा, ये सब जीरो रहेगा क्योंकि आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग ये टोटल जो है ना जीरो, ये टोटल इन तीनों का एडिशन होना चाहिए, 0 + 0 + 0 = 0, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है, 1 लाख 1 लाख 3 लाख, और क्या एक क्वेश्चन पूछा था, इंटर कॉर्पोरेट रूल डिवेंचर या फिर कोई सिक्योरिटी इशू किए हो तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आराम से। अब डिवेंचर इशू किए थे तुमने, सपोज जो भी 2 साल के पहले इशू किया था, जो भी टाइम पहले इशू किया था, रीपेड हो गया,
तो अमाउंट यहाँ डालोगे, रीपेड खत्म करोगे और यहाँ पे जीरो, फिर यहाँ पे कुछ नहीं बचा, सिंपल। ठीक है, एनी अमाउंट रेज बाई नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इशूड बाई अब नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, तो यहाँ पे डालोगे, एक्सेट्रा अमाउंट रिसीव फ्रॉम ए एम्प्लॉई इन नॉट एक्सीडिंग एनुअल सैलरी, ये ईसॉप वाला अगर कुछ है ऐसा, देन यू मस्ट गो विद दिस, यू शुड गो विद दिस। एनी नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अमाउंट रिसीव एंड हेल्ड इंटरेस्ट, कोई भी ऐसा चीज है जो आपको इंटरेस्ट, नॉन इंटरेस्ट वाला चीज है जो कि ट्रस्ट के फॉर्म में, मतलब ऐसे आपने रखा हुआ है, तो उसको भी आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करना होगा। मेरे को नहीं लगता किसी को मिला होगा ऐसा, बहुत रेयर चांसेस है। ये मैंने बता ही दिया है, राइट। इसके अलावा क्रेडिट रेटिंग करने का जरूरत है क्या? किसी को जरूरत नहीं पड़ेगा, जब आप वो नहीं लेना है तो अब आपको नेक्स्ट कर देना, सिंपल। ये भी आप रिक्वायर्ड नहीं होगा, एकदम रिक्वायर्ड नहीं है ऑप्शनल डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। क्यों डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है सर? अरे भाई, क्योंकि आपने पब्लिक डिपॉजिट लिया, बोला नहीं, जब नहीं लिया है तो नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, 0 3 या 4 डालना पसंद करता हूँ। ठीक है, आपका जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग है वो डेट डाल सकते हो, या फिर आपका जो भी सेकेंड बोर्ड मीटिंग हुआ हो वो डाल दो। डेजिग्नेशन, डायरेक्टर, टिन नंबर, जो भी मेरा मन किया उठा कर डाल दूंगा अभी, मतलब आप चेक कर लेना प्लीज। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट करूंगा तो पूरा फॉर्म खुल जाएगा एक बार में। ये देखो, फॉर्म में कुछ दम नहीं है, फॉर्म में पहले ये चीज़ ना सारा फिलअप करने के लिए एनेबल रहता था, बहुत दिक्कत होता था, लोग सोचते थे यार इसको फिल करना पड़ेगा, एंड फिल करना पड़ता था बॉस, मजबूरी थी बट करना पड़ता था। अभी देखो ना, ये पूरा का पूरा फॉर्म को ये कर दिया गया है, डिजेबल कर दिया गया है। अगर आप पब्लिक करते हो तो सारा का पूरा फॉर्म इनेबल होता है, ये वाला फॉर्म तो खैर भरना ही पड़ेगा भैया, आप क्या ही कर सकते हो। ये भरने के बाद ना आपको अटैचमेंट देने का जरूरत है, ना कुछ देने की जरूरत है, मतलब कहीं कोई टेंशन नहीं है, बस आपको सबमिट करना है, एज सिंपल इट इज। ठीक है, कोई प्रेशर का चीज़ नहीं है। और एक दो चीज़ें मैं बता ही देता हूँ भाई, कुछ छूट ना जाए, कुछ छूट जाए, कुछ छूट ही सकता है भाई, मतलब समझ रहे हो ना, अगर छूट जाते तो प्लीज़ मेरे को व्हाट्सएप कर देना या फिर कमेंट में आके डाल देना, भैया ये वाला तो बताया नहीं आपने, बता दूंगा। तो प्रेशर लेते हो ना तुम लोग यार, क्या बोलूं। चलो, इसमें एक चीज दिखना था मेरे को, ये राइट। एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम अ कंपनी फ्रॉम एनी अदर कंपनी, अब ये देखो ये किस हेड के अंदर आता है, फिनेंस असिस्टेंट फ्रॉम पीएफआई, ये एक्सेट्रा। अब ए कोई भी पैसा है जो आपको किसी और कंपनी से मिला है, अगर आपकी ढेर सारी ग्रुप कंपनी है ए बी सी डी, तो हो सकता है डी पैसा दी हो, ये पैसा दिया हो, बी पैसा दिया हो ए कंपनी ए को, उस सिचुएशन में आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। आप बोलोगे भैया इसका डिटेल कैसे मिलेगा? अरे जब जब उस कंपनी ने पेमेंट किया होगा आपको, उसका लेजर कुछ नहीं मिलेगा, लेजर मिल सकता है आपको। ठीक है, बोलो मेरे को लेजर दो, ठीक है टैली का लेजर भेजो, लेजर में ओपनिंग बैलेंस रहेगा, इस साल का पता चल जाएगा क्या सेटलमेंट किया है, ठीक है प्लस 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 माइनस प्लस माइनस, क्लोजिंग पता चल जाएगा। ठीक है, इधर का जोड़ दो, इधर का जोड़ दो, अपना जोड़ जाड़ के बैलेंस निकाल लो, टोटल ओपनिंग कितना था, इस साल क्या एडजस्टमेंट हुआ है, क्लोजिंग कितना है, सिंपल। ठीक है, आप बोलोगे कि भैया मान लो मेरा ऑडिटेड बैलेंस शीट नहीं था, क्या करूँ? ऑडिटेड बैलेंस शीट नहीं है तो क्या कर सकता हूँ, टैली का डेटा है कंसिडर कर लो। अगर मान लो तुम्हारा UC4 में, मतलब बैलेंस शीट में ऑडिटर बाद में चेंज कर देता है और आपको नोटिस आ जाता है, तो आप आराम से बोल देना कि भैया देखो मेरा ऑडिटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए जो टाइम था ना, मेरा 30 सितंबर था, मेरे को उससे पहले प्रोजेक्टेड डेटा था, उसके बेसिस पे मैंने बैलेंस शीट फाइनल किया था, ऑडिटर ने प्रोजेक्टेड डेटा में थोड़ा बहुत चेंजेस किया जिसकी वजह से मेरा डेटा मिसमैच हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक ग्राउंड मिल जाएगा जब आप रिस्पॉन्स कर पाओगे। ठीक है, ये मैंने बोल दिया डायरेक्टर वाला पॉइंट, क्या बचा सिक्योरिटी डिवाइस पर, इन्हें सिक्योरिटी में बोल दिया ना, अमाउंट एडवांस रिसीव अंडर लॉन्ग टर्म बजट फॉर सप्लाई ऑफ। ये देखो, अब मान लो अगर आपका कोई भी ऐसा गुड्स है जो आपको सप्लाई करना है 365 दिन के अंदर, अगर आप नहीं फाइल कर नहीं कर पाते हो तो वो फिर वो ये इसमें आ जाता है, क्या बोलता है,
अब वो आपका डिपॉजिट के रूप में कंसिडर हो जाता है, ठीक है। तो पॉइंट इज कि जब डिपॉजिट के रूप में कंसिडर हो जाएगा, इससे अच्छा है आप उसको कैपिटल गुड मानो। अगर 365 दिन के अंदर डिलीवरी नहीं हो पाती तो कैपिटल गुड मान लो, ठीक है। कैपिटल गुड के लिए टाइम पीरियड या कोई झमेला नहीं है। अब मेरा पॉइंट आता है कि सर मान लो मैंने बिल रेज कर दिया और अभी क्या हो रहा है, दिक्कत हो गया कि भैया मेरा 365 दिन आ रहा है, मैंने सप्लाई नहीं किया, तो क्या करूँ। एक काम करो, अगर आप सेटल कर सकते हो पेमेंट दिखा दो कि ये बिल क्लोज हो गया, बिल क्लोज करके एक फ्रेश बिल जनरेट कर लो, ठीक है। या फिर आप उसको एडजस्ट कर लो कि भैया ये वाला ट्रांजेक्शन कैंसिल हो गया, हमको देना ही नहीं है, मतलब ये वाला ऑर्डर ही कैंसिल हो गया। कुछ भी करो 365 दिन के अंदर नकल कर लो। प्रैक्टिकली बहुत ईजी है, बहुत कुछ नहीं है, आराम से वो मैनेज हो जाता है, ठीक है। बट बता दिया ऐसे। सेक्टोरल रेगुलेटर फेगुलेटर बहुत रेयर चांसेस आपको पैसा देगा। निधि कंपनी अमाउंट रिसीव बाई निधि कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द रूल। और देखो अमाउंट रिसीव बाई अ निधि कंपनी, अगर आपको निधि कंपनी से पैसा मिला हुआ है देन यू ऑल्सो हैव टू सो या चिट फंड विट फंड हटाना होगा, ठीक है। अब मेरा एक पॉइंट आता है कि सर मेरा एक ओपीसी है, क्या मेरे को फाइल करना होगा? बिल्कुल करना होगा। सर मेरा एक प्राइवेट कंपनी है, टर्नओवर जीरो, करना होगा, करना पड़ेगा। सर मेरा एक प्रोड्यूसर कंपनी है, करना होगा फाइल, बिल्कुल करना होगा। सर मेरी छोटी सी कंपनी है, क्या करूँ, करना होगा, बिल्कुल करना। अरे भाई कुछ भी है, सब हर केस में फाइल करना होगा, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट व्हाट? एक्सेप्ट अगर आपका एक डोरमेंट कंपनी है, डोरमेंट का स्टेटस मिला हुआ है आपको, तो आपको फाइल करने का जरूरत नहीं है। नहीं सर मेरी डोरमेंट कंपनी तो नहीं है, बोला क्या कंपनी है? तो सर प्लस सर मेरा जो है ना वो एक बैंकिंग कंपनी है, नॉट रिक्वायर्ड। एनबीएफसी है, नॉट रिक्वायर्ड। निधि कंपनी है, नॉट रिक्वायर्ड। इन कंपनियों के लिए एक्सेप्शन है, ये लोग फाइल नहीं करेंगे तो चलेगा। बाकी आप बाकी जितने कंपनी बचे ना, हर किसी को फाइल करना है, कूल क्लियर। बाकी सभी को फाइल करना होगा DPT 3। पहले आप लोग बोलते थे कि भैया मेरा इनकम ही नहीं है, मेरा कुछ है ही नहीं लोन में, तो मेरे को फाइल करना नहीं होगा। लेकिन अब आपको करना पड़ेगा, आपके पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू फाइल दिस DPT 3 फॉर्म, ओके। एज यू नो कि अब इसका ड्यू डेट का टाइम बढ़ गया और रात के समय में पेज अच्छा खुल रहा है, मतलब दिन में तो खुल ही नहीं रहा था, मर गया था ये पूरा पेज, बट रात में क्वाइट डिसेंट आराम से खुल रहा है, कुछ भी डाउनलोड किया जा सकता है। स्कर्ट रात मतलब अभी टाइम बताओ कितना हो रहा है, दिखाता हूँ टाइम नाउ। व्हाट इज द टाइम नाउ इन इंडिया? 2:09 के सुबह, मतलब 2 बजे सुबह, सुबह के 2 बजे बोलो, रात के 2 बजे बोलो, आई डोंट नो। 2 बज चुके हैं, अभी आपका वीडियो बन रहा है बॉस। मतलब मेरे को सोते सोते 3 बज जाएगा, क्योंकि फिनिश करना होगा, फिर मेरे को इसको एडिट करके, एडिट या कर एडिट नहीं करता, मतलब थोड़ा कुछ प्रोसेसिंग करना होता है, फिर वो होते होते मेरे को सुबह 3 बज जाएगा। अब 3 बजे तक अगर आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और आपको बोलूँ कि एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर कर ही दो, तो क्या गलत कर रहा हूँ? किडनी मांग लिया? नहीं ना, एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब, और क्या ही मांग रहा है, मतलब फिर भी लोग, तुम लोग कंजूस हो यार, तुम लोग शेयर नहीं करते हो दबा के, वेरी डिसअपॉइंटिंग। खैर कोई नहीं, ये हो गया आपका क्लियर, अभी तो कोई डाउट नहीं रहा ना। इंटर कॉर्पोरेट लोन कैसे शो करना है दिखा दिया, डायरेक्टर का कैसे दिखाना है दिखा दिया, और इसके अलावा बहुत ज्यादा मेजर चीज नहीं है, आपको ईयर वाइज वगैरह मैंने सब कुछ समझा ही दिया है। ये सारा कुछ आपका यूज में नहीं आएगा, सो मेक श्योर आप उसको अटैच वटैच करने के लिए दिमाग ना खराब करो अपना कि भैया खुल ही नहीं रहा क्या करूँ, भैया खुल ही नहीं रहा क्या करूँ, खुलेगा भी नहीं, ठीक है। सो इस वीडियो को यहीं रोक देते हैं, इससे पहले कि मेरे को वीडियो और लंबा खींच दूँ। सब्सक्राइब करो, ठीक है, पहले सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ा सा रैम खाओ मेरे ऊपर भी। सुबह का दो, मतलब रात का 2 बज रहा है, 2:11 हो चुके हैं, एक लाइक सब्सक्राइब में क्या ही जाता है। खैर जो भी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।